हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज मैं इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम क्यों देखें वीडियो 10 मिनट की, हम तो टेलीग्राम पे जो कंटेंट मिल रहा है उसी से कर लेंगे। जब भैया ने टारगेट लिख के दे दिए, सब कुछ दे दिया, तो हम क्यों करेंगे। आज आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपको पता चलेगा। और ये तो सिर्फ 3 एग्जांपल है, बाकी एग्जांपल मैं आपको और दिखाऊंगा इसी तरीके से कि आप लोग अगर टारगेट की वीडियो नहीं देखते हो तो आपको कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। और अगर आप ये 3 क्वेश्चन भी नहीं कर पाए ना, इतने सिंपल क्वेश्चन भी जो बच्चे टारगेट नहीं देखते हैं उनके साथ यही हाल होता है। क्यों? क्योंकि जब मैं टारगेट समझाता हूं तो उसमें मैं चीजें समझा के दिखता हूं कि भाई ये वाला जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से आ सकता है। तो जिस बच्चे ने वीडियो सुनी है उसको तो पता है, क्या उसे टेलीग्राम पे जो मैंने लिख के दे दिया, क्या मैं लिख के दे के समझाऊंगा वहां पे? वहां नहीं समझाता हूं, वहां सिर्फ कंटेंट जाता है। लेकिन वीडियो में मैं समझाता हूं कि कौन सी चीज क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरह से क्वेश्चन घुमाया जाता है, कहां से ज्यादा चीजें पूछी जाती हैं। कुछ बच्चे अपने आप को जो है चालाक समझते हैं, तो उनका हस्र क्या होता है वो यहां देखिए, आपको आज पता चल जाएगा। मैं आपको मतलब इतनी सिंपल तरीके से आपको समझ आ जाएगा कि टारगेट की वीडियो देखना क्यों इतना ज्यादा जरूरी होता है। देखिए, मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि ओम का नियम क्या है, देख लेना यहां पे आप। मैंने एक क्वेश्चन पूछा ओम का नियम क्या है, 9.4 के मतलब मान लो 10,000 लोगों ने वोट किया, 10,000 में से 76% लोगों ने सिर्फ ये वाला ऑप्शन लगा दिया, बी बराबर आई आर। क्या लगा दिया? बी बराबर आई आर। एग्जामिनर भी यही करता है। आपको जो लड़कों को समझ नहीं होती ना, जो अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, वो ये गलतियां करते हैं। देखो, सबसे पहले उसने क्वेश्चन, और मैं हर बार ये कह रहा था, मैंने टारगेट में लगातार कहा बार बार कि आप क्वेश्चंस के सारे ऑप्शंस देखा करो, बहुत अच्छे से देखा करो, क्योंकि क्वेश्चन घुमाया जाता है, लास्ट तक ऑप्शन देखो। लेकिन कुछ बच्चे ने जिन्होंने टारगेट नहीं देखे उनके साथ यही हस्र हुआ। हुआ क्या? उन्होंने 76% लोगों ने, आपके सामने यहां चल रहा होगा क्वेश्चन, देख सकते हैं, 76% लड़कों ने, लड़कियों ने क्या किया, पहला वाला ऑप्शन देखा बी बराबर आई आर और मार दिया, और क्वेश्चन आता हुआ भी गलत कर दिया। कहने का मतलब यह था कि आप ओम का नियम भी गलत करके आ गए। समझ में आ रही है? क्या करके आ गए? ओम का नियम भी गलत करके आ गए। लो, अब अगला क्वेश्चन क्या था, देखो, वन बटे आई इज इक्वल टू आर अपॉन बी, तो क्या ये बी बराबर आई आर नहीं है? अरे बी की अगर तिरछी मल्टीप्लाई करोगे तो बी बराबर आई आर नहीं है ये? अरे ये भी बी बराबर आई आर है। और क्या बी बटे आर इज इक्वल टू आई, क्या ये बी बराबर आई आर नहीं है? लेकिन नहीं, आप क्यों देखोगे? क्योंकि आप तो स्मार्ट हो, आप तो इंटेलिजेंट हो। इसलिए मैं कहता हूं कि जो आप गलतियां कर सकते हो, जो हमने गलतियां की हैं, उन गलतियों से बचाने का हर तरीके से मैं तरीका बताता हूं आपको टारगेट्स में कि आप ये वाली गलती मत करना, क्योंकि यहां से इस तरीके से क्वेश्चन आता है। अब ऑल ऑफ द एबव लगाया 16% बच्चों में, कहने का मतलब समझ रहे हो, 10,000 में से 1600 बच्चों ने सही आंसर लगाया, बाकी सबने गलत लगाया। ये रेशियो समझ रहे हो क्या है? 10,000 में से सिर्फ 1600 बच्चे, कितना बड़ा रेशियो है और कितना छोटा सा सवाल है। कोई बहुत बड़ा सवाल है? नहीं ना, बहुत सिंपल सा सवाल है ना। गलत करके आ गए, आप लोगों ने गलत किया है, आप जाके देख सकते हो। 10,000 लोगों में से सिर्फ 16% बच्चे अगर ऑल ऑफ द अबव आंसर लगा रहे हैं ना, तो सिर्फ वही बच्चे समझदार हैं, और उसमें भी 1600 भी समझदार नहीं होंगे, कुछ लोगों ने तुक्के भी मारे होंगे। समझ आ गई? तो पूरे के पूरे ऑप्शंस देखा करो। टारगेट में जो चीजें मैं बताता हूं वो ऐसी बेवकूफी नहीं है। दूसरे बच्चे पागल नहीं है जो अपने टारगेट्स पूरे कंप्लीट देखते हैं। यहां 5 से 10 मिनट में आपको आफत आ जाती है, और वहां पे आप फालतू की चीजें देखते रहते हो कि लो जी नोटिस आया है, और 10 मिनट में वो नोटिस बताया जाता है, 1 मिनट का नोटिस। सीख लो, बता रहा हूं मैं, आप अपने सिलेक्शन इन्हीं वजह से खोदोगे, जो कहते ना सिली मिस्टेक्स हो रही है इस वजह से होती है। देख लो, पहला क्वेश्चन खत्म। लो, अब जरा दूसरा क्वेश्चन देख लो। पूछा था मैंने क्वेश्चन कि लोएस्ट टेम्परेचर इन द वर्ल्ड, या मतलब धरती पे या पूरे संसार में सबसे कम टेम्परेचर कितना हो सकता है। ठीक है साहब, अब आप खुद देखो क्या किया गया। मैंने बोला 0 केल्विन, ये 0 केल्विन है, -273 डिग्री सेल्सियस, या दोनों, या +273 डिग्री सेल्सियस। बच्चों ने मुंह उठाया और सीधा लगा दिया -273 डिग्री सेल्सियस। ये पता कौन है? ये वही लोग हैं जब पहला क्वेश्चन भी बता दिया था, जब आपने ओम वाला क्वेश्चन गलत किया था, तब मैंने अगले दिन वीडियो में बताया कि आप सारे ऑप्शंस देखा करो। लेकिन वीडियो देखोगे तब पता चलेगा ना, आपने वीडियो देखी ही नहीं है तो फिर वही क्वेश्चन हुआ। देखो, यहां पे वोट किया है 10,000 बच्चों ने, आपको दिख रहा होगा 10,000 में से 68% मतलब 68% बच्चों ने -273 डिग्री सेल्सियस लगाया, जो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि बोथ ए और बी ऑप्शन था, 0 केल्विन और -273 डिग्री सेल्सियस, बोथ आर द सेम। जब ये दोनों चीजें सेम है तो क्या आपकी आंखें नहीं थी कि 0 केल्विन, इनकी चीजों को ध्यान से देख ले जाए। अगर आप अपने क्वेश्चंस को ध्यान से देखते हो
तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप क्वेश्चन गलत कर दो या सिली मिस्टेक्स हो जाए आपसे, एक आध क्वेश्चन में भले हो जाए, लेकिन कुछ बच्चे अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझते हैं, इस वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। क्वेश्चन का आंसर दिया है 28%, मतलब 10,000 में से 2,800 लोगों ने यह क्वेश्चन का आंसर सही दिया है। इसका मतलब समझ रहे हो आप, क्या यह बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था? नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन आपने जल्दबाजी में, आपने किस चीज में कि आप सोचते हो कि अरे हमें तो आता ही, हमसे ज्यादा थोड़ी होगा, ये तो खेल है, क्या क्वेश्चन देते, और ऊपर से नीचे कमेंट करते हैं ये क्या क्वेश्चन देते रहते हो। भाई क्वेश्चन पढ़ तो ले पहले, देख तो ले, यही क्वेश्चन गलत करके आओगे एग्जाम में, समझ आ रही है? देखो 68% बच्चों ने आंसर गलत दिया यहां भी, और ये भी 28% बच्चों ने सिर्फ आंसर सही दिया, तो एक चीज ये समझ आ गई। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो ठीक है अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। मैंने पूछा एक नैनोमीटर में क्या होगी, मतलब ऑप्शंस दे रखे थे, एक नैनोमीटर इज इक्वल टू क्या सही होगा। बच्चों ने मुंह उठाया जैसे सब करते हैं, 10^-9 -9 मीटर, 80% लोगों ने आंसर दिया। अरे वाह क्या बात है भाई, अरे भाई रोज कह रहा हूं, हर वीडियो में टारगेट में बता रहा हूं कि प्लीज देख लो देख लो देख लो, ध्यान से देख लो, लेकिन नहीं, हम क्यों देखेंगे वीडियो, हम तो टेलीग्राम से कंप्लीट करेंगे। तो टेलीग्राम से कंप्लीट करोगे तो ऐसी गलतियां एग्जाम में करके आओगे। और मैं कहता हूं अगर ये तीनों क्वेश्चन आ गए होते तो कितने नंबर खो दिए तुमने, 3 नंबर तो ये खो दिए, और 0.33 हो गया, कहने का मतलब 4 नंबर खो दिए। और चार नंबर की वैल्यू समझते हो, 4 नंबर से तो लाखों बच्चा छट जाता है, लाखों, समझ आ रही है? 4 नंबर बहुत बड़ी बात होती है। यहां निगेटिव मार्किंग भी है और तुम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करके आओगे इन क्वेश्चन को और गलत करके आओगे, समझ आ रही है? ये गलतियां करते हो आप लोग, लेकिन आपको समझ नहीं आएगी, जो मैं समझाता रहता हूं 10 मिनट तक बोलता हूं, वो आपको लगता है मैं तो बकवास कर रहा हूं। तो ठीक है भाई, जो लोग फॉलो कर रहे हैं ना उन लोगों को रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं, वो गलतियां भी कम कर रहे हैं, उनकी गलतियां भी कम हो रही हैं, मार्क्स भी बढ़ रहे हैं। अब आप खुद सोचो, जिस बच्चे के 4 मार्क्स यहां से बढ़ सकते हैं, तो लगातार मैं कब से बोल रहा हूं, और चीजें नहीं होंगी क्या, और गलतियां नहीं करते होगे आप? तो जो बच्चा सुन रहा है वीडियो को, वो बच्चा उन चीजों को सही कर रहा है, क्योंकि उसमें बताई जा रही है बार बार गलतियां कि ये मत करो ये मत करो, कल भी ये गलती करी है। अब देखो अगला क्वेश्चन, मैंने पूछा एक नैनोमीटर, तो आपको इतनी अकल नहीं है कि जब 10^-9 मीटर है तो 10^-7 सेंटीमीटर दे रखा है मैंने, इसका मतलब भी 10^-9 मीटर ही होता है। अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे क्या करोगे, 10^-2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या हो जाएगा ये? सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलोगे 10^-2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये भी 10^-9 ही मीटर है। चलो ठीक है, ये दोनों हो गए। 10^-6 mm है, 1 mm को मीटर में लेके जाओ, 10^-3 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना हो जाएगा, 10^-9 मीटर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन ऑल होगा। और कितने बच्चों ने दिया, 12% बच्चों ने आंसर, कितने बच्चों ने दिया, सिर्फ 12% ने। अगर मैं कहूं 10,000 बच्चे ने वोट किया तो 12% क्या, सिर्फ 1200 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया। समझ आ गई होगी अब तो कि टारगेट्स देखना कितने ज्यादा जरूरी है और क्यों आप लोग गलतियां करते हो, समझ आ गई ना? अब तो नहीं कहोगे कोई, जो बच्चे मुझसे कहते ना आप अपना स्मार्टपना रखो अपने पास, मैं नहीं कहता कि भाई आप स्मार्ट नहीं हो कुछ नहीं, लेकिन आप भाई कम से कम ये तो सोचो प्लीज कि गलतियां क्या कर रहे हो। और ये गलतियां अगर आप देखो, पहली बार बच्चे ने गलती की, मैंने जो पहले उनका क्वेश्चन डाला, मैंने अगले दिन उन्हें समझाया कि आपने देखो इतनी गलतियां की हैं, उससे अगले दिन फिर क्वेश्चन डाला, फिर गलतियां की, ये गलतियां होने का मतलब क्या है कि कुछ ही बच्चे ऐसे थे जो टारगेट्स और वीडियोस देख रहे थे, उन लोगों ने अगले दिन वो क्वेश्चन सही कर लिया, अदरवाइज बाकी क्वेश्चंस लगातार गलत हो रहे हैं, उन लड़कों के लगातार गलत हो रहे हैं जो स्मार्ट भी समझ रहे हैं, टारगेट भी कंप्लीट नहीं कर रहे, वीडियो भी नहीं देख रहे, सिर्फ टेलीग्राम से जाके। एक लड़का मुझसे कह रहा है भैया हम क्यों देखें वीडियो जब हमें टेलीग्राम पे सारा कंटेंट मिल जाता है, तो भाई मत देखो, ऐसे अपने 4 नंबर कटवा लियो और फिर सिलेक्शन खत्म हो जाएगा, फिर बोलना, फिर आके रोना भैया पॉइंट वन से रह गया, भाई पॉइंट वन से रह गया, तूने 4 नंबर की गलतियां तो वहीं कर ली थी। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और फिलहाल ख्याल रखो टेस्ट देना इसलिए भी ज्यादा जरूरी है। देखो मैं इसीलिए कहता हूं आप लोगों से कि टेस्ट सीरीज जो हम लोग लगाते हैं ना और जब एनालिसिस करते हैं तो वहां पे ये चीजें पता चलती हैं, ये भी एक तरीके का टेस्ट ही है और ये एक तरीके का एनालिसिस है जिससे आप लोग समझ सकते हो कि क्या, एनालिसिस करते समय यही तो चीजें समझ आती हैं कि भाई ये देखो हमने यहां गलती की थी, ये अगले टेस्ट में गलती नहीं करनी है। इसलिए अगर अभी किसी के बच्चे के पास टेस्ट वगैरह नहीं है और आप लोग चाहते हो कि आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट दिखे, ऐसे इंप्रूवमेंट दिखता है, देखो अब ये 3 क्वेश्चन गलत हो गए, अब अगली बार कभी क्वेश्चन आएंगे तो आप गलत नहीं करोगे, आप पहले, अब आपके दिमाग में एक चीज आ गई कि मुझे पहले सारे के सारे ऑप्शंस देखने हैं अच्छे से, तब मैं आंसर करूंगा। तो ये एक आपका क्या बन गया, एक ट्रिक बन गई, एक चीज बन गई जिसे आप एग्जाम में फॉलो करोगे, क्योंकि आपने गलतियां करके सीखा है।
तो इसी तरीके से आप टेस्ट देते हैं तो 100 गलतियां पता चलती हैं और उन गलतियों को आप एग्जाम में नहीं करते हो, इस वजह से आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो अभी भी मैं यही कहूंगा कि जिन लोगों के पास टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं है, जो लोग टारगेट कंप्लीट नहीं देखते हैं, सिर्फ टेलीग्राम से फॉलो करते हो, तो भाई सुधर जाओ, मान जाओ, बुक्स, टेस्ट सीरीज, जो टारगेट की 10 मिनट की वीडियो आती है उस वीडियो को जरूर से जरूर देखा करो, आपको बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और अगर इसके बाद भी नहीं समझ आता तो वो आप खुद जानो, GSP 10 यूज करोगे 280 रुपीज में आप लोगों को 14 मंथ्स का पास मिल जाएगा, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा काफी ज्यादा। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बाकी जुड़े रहिए, टेस्ट के बाद हम लोग बहुत बहुत अच्छे से सारी चीजें करने वाले हैं, आपको सारे टारगेट बहुत अच्छे से मिलना शुरू हो जाएंगे, न्यू स्टूडेंट हो चाहे ओल्ड स्टूडेंट हो, सब लोगों के लिए। टेक केयर।